तर संत तुकाराम महाराजांबद्दल वादग्रस्त विधान केल्यामुळे अडचणीत आलेल्या बागेश्वर धामचे धीरेंद्र शास्त्री अखेर संत तुकाराम महाराजांच्या चरणी लीन झालेत. पुण्यात कार्यक्रमासाठी आल्यानंतर तुकोबांबद्दल केलेल्या वादग्रस्त विधानामुळे विरोध होत होता. त्यानंतर पुण्यात दाखल होताच बागेश्वर बाबांनी वक्तव्याबद्दल दोनदा माफी मागितली. त्यानंतर देहूमध्ये तुकाराम महाराजांचं दर्शन बागेश्वर बाबांनी घेतलं आणि वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. लेख के आधार पर बोलने बोलने की भाषा है. हम कभी भी उसके पूर्व में भी हम आ चुके थे महाराष्ट्र. संत तुकाराम भगवान के बारे में जानते, संत ज्ञानेश्वर महाराज की जितना समझ है, जितना पढ़ पाया, कभी हमने किसी संत को नहीं बोला. तो निश्चित रूप से हमने उस भाव को स्वीकार किया कि हमारे कारण वारकरी संप्रदाय एवं भगवान जगत गुरु भगवान तुकाराम महाराज को मानने वाले लोगों के हृदय में जो ठेस पहुंचा, निश्चित रूप से हमारे द्वारा वह त्रुटि रही होगी, उसको हमने सुधार तत्क्षण किया था, वीडियो के माध्यम से भी किया था. आई भवानीचा गजर म्हणजे